इफ आई लुक एट दीई टी का पेपर देर आर सेवन क्वेश्चनिंग दस क्वेश्चन ट्वेंटी एंड लॉजिक वाले इनपुट आउटपुट को इन डी को ब्रेकअपी एंड आजकल भैया क्रिटिकल रीजनिंग की बहुत इज्जत हो रही है हर एग्जाम उसकी इज्जत कर रहे हैं CAT में RC के अंदर आउट ऑफ सिक्सटीन क्वेश्चन ट्वेल्व टू थर्टीन क्वेश्चन आर सी बंद कर दिया क्रिटिकल रीजनिंग से हाफ एटीन क्वेश्चन आता है बेटा जम्बल डब भी आता है वो भी आता है सीई टी में दोनों तरह के आए थे लास्ट ईयर कुछ बच्चों को जंबल डब आया था कुछ बच्चों को आया था साहिली ट्वेंटी फाइव एज वेल प्लीज

ज द बेस्ट ओपनिंग बैट्समैन वर्बल इन क्रिकेट टीम्स के रोहित शर्मा रोहित शर्मा पहली बॉल पर आउट हो जाए किसी को फर्क नहीं पड़ता एंड वर्बल का दैट्स बेस्ट पार्ट वर्बल का पेपर इजी आए टफ आए पब्लिक को फर्क नहीं पड़ता आई एम गोइंग टू स्कोर सेम मार्क्स ना कैट इज ओनली अबाउट रीडिंग आर सी पैराजंबल ओनली रीडिंग क्वेश्चन एंड जीरो क्वेश्चन ऑन अदर थिंग्स कैट की अगर बात करो चौबीस का चौबीस क्वेश्चन रीडिंग में आता है वेन इट कम टू द नॉन कैट एग्जाम वो कैब एंड ग्रामर इज मोर इंपॉर्टेंट स्नैप ले लो एन मैट ले लो सीईटी ले लो सीईटी में थर्टी मार्क्स का वो कैब ग्रामर ट्वेंटी मार्क्स का रीडिंग बेस क्वेश्चन पैराजल पैरा कंबलिशन सब जोड़ के ठीक है देन आई मूव टू एब्रैक्ट पच्चीस क्वेश्चन इसमें दो टाइप है ओके दिस इज वॉट एम डुइंग एमगून ब्रेकअप ऑफ द कंप्लीट पर्पल बुक्स पर्पल बुक्स का ब्रेकअप इज दिस फाइन इसमें दो टाइप के क्वेश्चन है एक तो ये वाले क्वेश्चन सीरीज वाले की पहले एरो ऐसा था फिर एरो इधर चला गया एरो कहां जाएगा सो दिस इज अराउंड ट्वेल्व क्वेश्चन दिज आर द सीरीज बेस्ड क्वेश्चन द ट्रेडिशनल क्वेश्चनल सेकेंड पार्ट इज द मॉडर्न एबस्ट्रैक्ट्रितने ट्राइंगल हैं फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन दिस ट्राइंगल्स या इफ आई एवर डाइस ट्राइट टू आइडेंटिफाई टू थ्री फोर है इसके पीछे कौन सा नंबर आएगा उसके आगे कौन सा नंबर आएगा दिस इज़ थर्टीन क्वेश्चन हर एग्जाम में लॉजिक इज हंड्रेड मार्क्स एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज मैथ्स मैथ्स फिफ्टी क्वेश्चन इसको हमने दो पार्ट में ब्रेक कर दिया टिपिकल क्वांट वाले थर्टी क्वेश्चन एंड डी आई डी एस नॉन मैथ्स डी आई डी एस सीरीज बॉडमास सब जोड़ के बीस क्वेश्चन सो दिस इज योर सी टी का कंप्लीट पेपर द मोमेंट आई चेंज द नंबर ऑफ क्वेश्चन सेम पेपर बिकम फॉर द सिंबी का एग्जाम सेम पेपर बिकम फॉर एंडमेंट का एग्जाम सबका मोटा मोटा सेम्बर ऑफ क्वेश्चन तो सिलेबस वाइज ऑल दीज एग्जाम कैट आपको बस रीडिंग वाले क्वेश्चन आते हैं वो भी अलग टाइप के कैट का रीडिंग टाइप ऑल टूगेदर सो मतलब मुझे यह भी करना पड़ेगा मुझे वो कैप ग्रामर करना पड़ेगा बिकॉज दोटली न्यू ठीक है तो चलो मान लिया कि आर सी कॉमन है आरसी तुम कर लोगे क्रिटिकल रीजनिंग इज टोटली न्यू पजल्स आर टोटली न्यू लॉजिक इज टोटली न्यू जो नॉन कैट में आता है जो कैट में आता ही नहीं है सोली ओनली आर सी इज कॉमन ओके एंड दिस इज द मेन फंडामेंटल प्रॉब्लम विच हैव सीन यार पता पब्लिक क्या करती है जिसने कैट दी ना अरे भाई तूने तो कैट दिया हुआ है तू तो बाकी सब संभाल लेगा तू कैट वाला आदमी है स्नैप सीमेट सी तो तेरे लिए बाएं हाथ का कमाल है कुछ अलग पढ़ने की जरूरत नहीं है कोचिंग क्लासेज इन गिव अगर पुणे जाने को तैयार हो तो स्नैप इज अड बैकअप वेरी गुड एग्जाम सब कुछ अलग है यार सब कुछ अलग है इसमें ओके okay. सीरीज कैट में आता ही नहीं है ये भी करना पड़ेगा मैथ चलो मैंने माना कि मैथ कॉमन है डी आई डी एस सीरीज बेस्ड क्वेश्चन बॉर्ड मास ये भी नहीं मैथ्स का थर्टी क्वेश्चन आर कॉमन उसमें भी कैट का लेवल इज वेरी हाई अलग लेवल एंड आर सी का पंद्रह क्वेश्चन सो ऑलमोस्ट फोर्टी फाइव टू फिफ्टी मार्क का पेपर इज कॉमन आउट ऑफ टू हंड्रेड मतलब सेवेंटी फाइव परसेंट ऑफ द पेपर इज टोटली डिफरेंट इन एनी ऑफ द नॉन कैट एग्जाम एज कम्पेयर टू द कैट एग्जाम सो हाउ कैन आई स्टडी फ्रॉम द सेम बुक्स हाउ कैन आई क्रैक दीज एग्जाम्स विदाउट एनी सपोर्ट तो भाई मार्क्स देते जाओ

टूडे आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस टू दम्प्लीट पेपर पैटर्न आई इंट्रोड्यूसलीट पेपर पैटर्न ऑफ द सी टी एग्जाम और अगर जे बी एम एस का शकल दिखना है अगर जे बी का शकल दिखना है तो वर्बर में पचास में से चाहिए थर्टी फाइव मार्क्स लॉजिक फिफ्टी फाइव मार्क्स एब्सट्रैक्ट ट्वेंटी प्लस एंड क्वान थर्टी फाइव मार्क्स आई एम यू द टारगेट्स विच आर ओनली पॉसिबल टारगेट्स यार दे आर नॉट इम्पॉसिबल टारगेट्स इफ आई एट दिस यार मैथ्स में पैंतीस में से पचास में से पैंतीस नंबर तो मैं लेके आ सकता हूं बीस नंबर लॉजिक में पचपन नंबर एंड वर्बल में पैंतीस नंबर आउट ऑफ फिफ्टी दिस इज अ पॉसिबल टारगेट वेरी मच पॉसिबल टारगेट ठीक है फाइन सो दीज आर योर मैजिक नंबर इसके ऊपर जाना चाहिए इफ आई एट टोटल अमाउंट टू बी वन फोर्टी प्लस ठीक मतलब है इसके ऊपर जाइए मतलब थर्टी फाइव में रुकना थर्टी सिक्स थर्टी एट फोर्टी लेके आओ इधर साठ लेके आओ इधर इंक्रीज दैट योर टारगेट इन सी टिकिंग मॉर्क इज वन फिफ्टी प्लस बिकॉज हमें नहीं पता दो साल से नॉट गिविंग अस स्कोर कार्ड कैन यू बिलीव मी सी टी वाला इज नॉट गिविंग अस अ स्कोर कार्ड सिंस लास्ट टू ईयर्स जब से कोविड आया है इस बार बोर्ड कि इस बार हमें वो स्कोर कार्ड देंगे हमारा पूरा क्वेश्चन पेपर देंगे ठीक है सो दिस इज योर फंडामेंटल ब्रेकअप एंड वी हैव टू प्रिपेयर अकॉर्डिंगली So if I...